दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गीत सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं जी। आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूं वो एक बहुत लंबे समय से चल रही मांग है, भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। अध्यक्ष जी, हम सभी जानते हैं कि सेना में अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय और राज्य के योगदान, बलिदान को ध्यान में रखते हुए उनके सम्मान में, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अलग अलग राज्य, धर्म, संप्रदाय और जाति के नाम पे सेना में रेजिमेंट बना है। ये अहिर रेजिमेंट की मांग बिल्कुल जायज है और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि सेना में जल्दी से जल्दी अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए। क्योंकि अध्यक्ष जी, मैं थोड़ी सी और बात बताना चाहता हूं, जिस दिन ये अहिर रेजिमेंट का गठन होगा चाइना की रूह कांप जाएगी अध्यक्ष जी। ठीक है, उसका कारण, उसका कारण एक सेकंड में बता देता हूं अध्यक्ष जी। 62 के युद्ध में जी रेजांगला चौकी पर 124 अहिर जवान तैनात थे। ठीक है, उन्होंने 100-200 नहीं 3000 चीनी सैनिकों को मारा और चाइना ने यह कहा जी। धन्यवाद सभापति जी।